ये बंद है। और ये देखिए इस तरीके से आज कर्मचारी घूम रहे हैं और हर जगह जा जा के बंद कराया जा रहा ऑफिस। हाँ ये देखिए पूरे हर ऑफिसों में जाकर विजय झा है जो कर्मचारी नेता था आप पार्टी में है वो पूरा पूरे हर कार्यालय में घूम घूम के बंद किया जा रहा है ना। ये हड़ताल जारी सभी लोगों को बूढ़ा तालाब आने के लिए और पूरे कर्मचारी ऑफिस ऑफिस घूम रहे हैं। पूरे ऑफिसों काम धाम ठप है आप देख सकते हैं। हर सभी कार्यालय घूमे जा रहे हैं और हम बात करते हैं आवाज दो लोग ऑफिस जैसे एक स्कूल को बंद कराया जाता है आज मैं पहली बार देख रहा हूँ कि ऑफिस ऑफिस जाके बंद कराया जा रहा है। सभी ऑफिस कार्यालय जितने भी प्रकार के शासकीय संसाधन हैं और कार्यालय हैं सभी पूर्ण रूप से बंद रहेंगे और बंद कराए भी जा रहे हैं। जो कहीं पे भी हम घूम घूम के ये देखा जा रहा है कि किसी कर्मचारी को काम वाम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो स्वफूर्त होकर के वो अपना काम बंद कर किया हुआ है और कई कार्यालय ऐसे हैं जहाँ पे तालाबंदी है। ये जो आप लोग जैसे स्कूल में पहले हड़ताल कराई जाती थी वही आज देखने को मिल रहा है। नहीं आज भी पूरा स्कूल भी बंद है कार्यालय बंद है सब कुछ बंद है केवल ताला बंद दिख रहा है। हम लोग देखने जा रहे हैं अपने लड़ाकू साथी जुझारू छासी जो ताला बंद करके सब गाड़ियों को यहाँ खड़ा कर दिया है। छत्तीसगढ़ के राजधानी के अधिकारी अपने स्कूटी में कार्यालय जा रहे हैं। ये हमारे मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है। पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में बंद 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 है। महंगाई भत्ता के लिए केंद्रीय कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारियों में जो भेदभाव छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है आपको मैं बता दूं छत्तीसगढ़ राज्य में तीन प्रकार के महंगाई भत्ता मिल रहे हैं। आईएएस अधिकारी 28% महंगाई भत्ता ले रहे हैं। हमारे विद्युत मंडल के कर्मचारी साहब 34% ले रहे हैं। हम लोग 17 से 5% बढ़ के 22 हुआ था वो भी 1 जनवरी 1 जुलाई से नहीं मिल रहा है बल्कि 1 मई से मिल रहा है। 28 महीने का एरिया से सरकार खा गई है। 5 दिन का सशक्त महासंग्राम आंदोलन है। डू आर डाई करो या मरो इसके बाद नहीं होगा तो अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा। और आपको लड़ रहा है 5 दिन का हड़ताल है 9 दिन पूरा कार्यालय बंद है और हम लोग पूरा एक बात और आपसे पूछ रहा हूँ जैसे कोरोना के बाद सरकार घाटे में है और स्थिति नहीं रह गई है अभी सरकारों की कि बहुत ज्यादा कुछ कर पाए तो ऐसे में वित्त व्यवस्था आप लोग की कैसे करेगी सर? बहुत कैसे दिया बिना अच्छा वित्त व्यवस्था है। हमारे विधायकों का ताली बजा करके 60-60 हज़ार बढ़ा दिए साहब। वो किसी ने ये नहीं कहा हमारा मत बढ़ाओ कर्मचारियों का बढ़ाओ और कोई वित्तीय स्थिति नहीं है। बूढ़ा तालाब में 34 करोड़ रुपया बूढ़ा तालाब को चौथी बार बनाया जा रहा है। उसको जींस टी शर्ट पहना के जवान बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में बहुत पैसा है दारू का पैसा है सेल टैक्स का पैसा है रजिस्ट्री का पैसा है। आज हड़ताल है ना प्रतिदिन 1 करोड़ से ज़्यादा घाटा हो रहा है। रजिस्ट्री नहीं हो रहा है सेल टैक्स नहीं हो रहा है राजस्व की वसूली नहीं हो रही पूरे न्यायालय बंद है। ये हम 30 मई को चीफ सेक्रेटरी को ज्ञापन दिए थे। चर्चा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और विधायकों के लिए कोई बात किया? हमारा चीफ सेक्रेटरी मंत्रिमंडल का सचिव है उनका वेतन बढ़ाने के लिए फाइल बढ़ा दिया खुद का वेतन बढ़ाने के लिए फाइल बढ़ा दिए तिथि से लिए एरिया से लिए कभी कर्मचारियों के बारे में सोचे? तो हमारा कहना है नरवा गरवा घुरवा बारी अब है मोर कर्मचारी के बारी। इनकलाब जिंदाबाद। देखिए जोरदार आंदोलन है और ये ऑफिसों में जाके चेक कर रहे हैं कोई भी इनके संघ का कोई कर्मचारी होगा तो उसको बोला जा रहा है आह्वान किया जा रहा है शांतिपूर्ण बोला जा रहा है कि आप अपने काम पर आप देख सकते हैं ये पूरा पूरे ऑफिसों में घूमा जा रहा है। ये गाड़ी चालक संघ है इसके पहले पीडब्ल्यूडी हम देख रहे थे ये ऑफिस ऑफिस घूम रहे हैं इनके पीछे पीछे ऑफिस भी घूमेंगे। ये लोक निर्माण विभाग का ऑफिस है यहाँ पे पहुंची है हमारे मान सम्मान की लड़ाई है बाहर निकलो अंदर जाइए नारा लगाइए अधिकारी कर्मचारी बहुत बढ़िया पूरा कार्यालय को बंद कीजिए दरवाजा बंद होना चाहिए पूरा बंद मतलब पूरी तरीके से एची ऑफिस है और ये यहाँ पे कर्मचारी हैं इन्होंने ताला बंद कर दिया है क्योंकि कोई भी कर्मचारी नहीं है आप देख सकते ताला दिखाइए ये यहाँ पे ताला लगा हुआ है और ये
यहाँ का पीएचई ऑफिस है, अधीक्षण छत्तीसगढ़ कार्यालय अभियंता मंडल लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी यानी पीएचई का ऑफिस है। आप देख सकते हैं ये पूरा ऑफिस जो है वो बंद है और चारों तरफ ताला लगा हुआ है और कर्मचारी यूनियन लगा हुआ है कि किस तरीके से इस ऑफिस को बंद किया जाए और लगभग कर्मचारी को जो हैं उनको भी मना किया जा रहा है कि आप यहां से जाइए धरना स्थल में और मांगों का समर्थन। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिंदाबाद, 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 साथी उमेश मुदलियार जिंदाबाद, साथी इदरीस खान जिंदाबाद। क्यों मैडम आप लोग कैसे काम कर रहे हो? ये देखिए ये ऑफिस है, अधीक्षण अभियंता का ऑफिस है, ये लोक निर्माण विभाग विद्युत यांत्रिकी का है और इसमें भी सभी लोगों को बाहर जाने का और आंदोलन और हड़ताल में साथ देने का आह्वान किया जा रहा है। अंदर कर्मचारी नेता पहुंचे हैं। हमारी एकता जिंदाबाद, 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 कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिंदाबाद, 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 साथी कमल वर्मा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, साथी कमल वर्मा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अभी तो यह लड़ाई है, आगे लड़ाई है, महंगाई भत्ता देना होगा, देना होगा, देना होगा। ये कर्मचारी बंद दल जो है अभी देखिए महानदी सिरपुर भवन पहुंचा है और सिरपुर भवन में पीडब्ल्यूडी ऑफिस है, वहां पे ये घूम रहे हैं और चारों तरफ कर्मचारियों को आह्वान किया जा रहा है कि आप बाहर निकलें। तो ये यहां का मुख्य पीडब्ल्यूडी ऑफिस है और आप पीछे भी देख सकते हैं कि कर्मचारी हैं, वहां पे नेता जाके ऑटो में बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं वो पीछे एक ऑटो है। तो अपने बंद को, अपनी मांगों को लेकर बंद कराने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और लगातार जो इनकी नियमितीकरण और महंगाई भत्ते की मांग है उसके लिए ऑफिस भी जो लोग ऑफिस हैं तो ऑफिस को पूर्ण रूप से जो कुछ कर्मचारी बचे हैं उनको भी बोला जा रहा है कि आप काम बंद करके यहाँ पे आएँ। RPL न्यूज़ देवाशीष रायपुर छत्तीसगढ़।